तो गाइस फाइनली यहाँ से निकलने वाले हैं। बस इतना अच्छा मौसम, इतना अच्छा नज़ारा, मन तो कर नहीं रहा जाने का। पर यार घर भी जाना है, जॉब भी करनी है और कहीं और की और प्लानिंग करनी है। ये मुँह हाथ वगैरह कुछ नहीं धोया, फ्रेश व्रेश कुछ नहीं हुए। वह आप नज़ारे देखो। भाई टिकट तो मिल नहीं रही हेलीकॉप्टर की, क्योंकि ऑनलाइन 160 बंदों की पेंडिंग है, तो ऑफलाइन तो ये ले नहीं रहे। अभी बोल रहे हैं मे भी हो सके कल मिल जाए, बट अभी तो मिल नहीं रही। और आज निकलना ज़रूरी है बहुत, तो डिसाइड कर रहे हैं कि पैदल ही नीचे क्रॉस करें। 10 घंटे लगे थे चढ़ने में, अब देखते हैं कितनी जल्दी उतर सकते हैं। अरे मेरी थाई में बोया मेरी सॉरी मेरी थाई में बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा है, राइट साइड की थाई में, पता नहीं क्या प्रॉब्लम होगी। धीरे धीरे चलते नीचे, पर भाई से नेक्स्ट टाइम ज़रूर आऊँगा, बट चॉपर से ही आऊँगा और चॉपर से ही जाऊँगा। बस देखो एक रास्ता ये है जो मेन है, और ये है शॉर्टकट रास्ता। ये आपको गली सी दिख रही है बिल्कुल, यहाँ से बिल्कुल आप यहाँ पे पहुँचोगे, मेन रास्ता ही है तो मैं इसी रास्ते से जाऊंगा। भाई बर्फ देख रहे हो कितनी बदनी पड़ी है, मनाली फील ले रहे बंदे मजे लेके। कितनी बर्फ जमी पड़ी है, और देखो बिल्कुल खड़ी चढ़ाई पे चढ़ाएंगे घोड़ों को, बिल्कुल खड़ी चढ़ाई, इसमें कई फिसलते भी हैं। भाई हेलीकॉप्टर से तो मैं भी जाना चाहता था, पर जो मेरे से गलती हुई वो मत करना। जिस टाइम तुम ऊपर चढ़ रहे हो केदारनाथ की तरफ, उसी टाइम आप बुकिंग करवा लेना हेलीकॉप्टर की, वरना भाई बहुत दिक्कत हो जाएगी। आप सोचोगे कि जिस टाइम उतरें उसी टाइम करें बुकिंग, तो ऐसा सीन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ऑनलाइन बुकिंग पहले से होती है। अभी जो मेरे साथ सीन हुआ वो यही हुआ कि ऑनलाइन 160 पेंडिंग है, तो ऑफलाइन किसी को ले ही नहीं रहे। तो आप लोग जब आओ तो जिस टाइम चढ़ो उसी टाइम ऑफलाइन बुकिंग करने की कोशिश करवाना, वरना ऑनलाइन देख लेना। ऑनलाइन तो मेरे को पता नहीं, बट ऑफलाइन उसी टाइम देख लेना अगर आपको आना है। पर आने का प्राइस है सिर्फ 3,000 रुपये, और अप डाउन है 6,000 रुपये, मतलब वहाँ से लेके भी आएगा सोनप्रयाग से और आपको छोड़ के भी जाएगा 6,000 रुपये में। और अगर आप चढ़ाई के मज़े लेने चाहते हो तो आप सिर्फ चढ़ाई के मज़े ले लो, और फिर आते समय हेलीकॉप्टर से आ जाओ। 3,000 रुपये प्राइस है सिर्फ। मेरे से तो थोड़ी मिस्टेक होगी, क्या है कि पता नहीं था, अब मेरे को पता चल गया तो आप लोगों को बता रहा हूँ मैं। तो गाइस अभी जाना है मेरे को बिल्कुल ही, अभी तो वैसे काफ़ी दूर है, पहाड़ पूरा पार करना पड़ेगा। वैसे नीचे का दिखा रहा हूँ, नीचे कहाँ पर उतरना है यार। जो पहाड़ है एक सेकेंड, ये वाला जो पहाड़ है इस पहाड़ को पार करने के बाद आएगी वो लोकेशन जहाँ से हमने चढ़ाई चालू करी थी, और अभी तो काफ़ी बचा है यार। ये हेलीकॉप्टर राइड मिल जाती ना मज़ा आ जाता। पर पूरी पूरी सीधी सीधी चढ़ाई है कहीं कहीं पे। ये देखो भाई सब ऊपर पहाड़ों में सारा पानी है। साफ पानी,
इतना लंबा पैच बचाने के चक्कर में। आओ बच्चे, भाई ये बंदे कैसे ले जाते हैं, क्या ताकत का राज है इनका भाई, कुछ पता नहीं। ओ आराम से बच्चे। भाई ऐसी सिचुएशन में भी ये बंदे यहाँ पे सफाई करते ही रहते हैं। यहाँ पे तो चलो इतना साफ है, पर जहाँ पे काफ़ी गंदा होता है, काफ़ी गंदा, वहाँ पे ये बंदे लगे ही रहते हैं, रात दिन लगे ही रहते हैं बंदे। सही है भाई। भाई देखो कहाँ से कहाँ तक आ गया मैं। ये जो दिख रहा है आपको, ये जो लाइन सी है घरों की, इससे भी पीछे से आ रहे हैं ये यहाँ से। और अभी जाना है नीचे, ऐसे घूम फिर के चलो। भाई अभी एक घोड़े के पैर में कील घुस गई काफ़ी बड़ी, और बड़ी दिक्कत होगी उसे यार, उसे निकालने की कोशिश कर रहे थे, मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया क्योंकि मैं आ गया आगे, उस पर सवारी भी बैठी पड़ी है यार। सवारी उतार के कील निकालो वो तो सही भी है, सवारी बैठा रखी और उसके घोड़े की कील भी घुसी पड़ी है, कितनी परेशानी हो रही होगी यार उसे। और ये क्या है, क्या था ये, बूरा बूरा। अच्छा भाई ये बंदे पता नहीं क्या ही खाते हैं जो ऐसे करके ले जाते हैं। ज़रा सी गलती और बंदा जाएगा सीधा खंड में। जितना सुंदर है ये ऊपर से उतना थोड़ा थोड़ा डेंजर भी है। ये देखो साइड साइड में कितना हल्का हल्का सा गैप है। भाई गौरीकुंड रह गया सिर्फ 2 किलोमीटर, और मैंने 6 बजे स्टार्ट करी थी उतरना, और टाइम हो गया अब 9:34, काफ़ी जल्दी उतर गया वैसे तो मैं। मैंने कोई ब्रेक नहीं लिया ना कोई खाना, एक बार पानी पिया था मैंने जो पहाड़ों पे से आता वही, और एक बार मैंने न्यू पानी पिया था बस, बाकी अभी तक चल ही रहा हूँ, देखते हैं कितने टाइम तक पहुँचता हूँ गौरीकुंड। भाई फाइनली तुम्हारा भाई गौरीकुंड पहुंच चुका है, और टाइम आई थिंक 10 या 10:30 हो रहा है। गौरीकुंड में डुबकी मारेंगे गर्म गर्म पानी में, फिर वहाँ से निकलेंगे बैग वैग लेके, जहाँ पे बैग वैग रख रहेगा हमारे रूम में। तो भाई हालत ख़राब होगी, पानी पी के चले। भाई फाइनली गौरीकुंड पहुँच गए। गौरीकुंड में तो सारे बुजुर्ग लोग नहा रहे हैं,
सोच रहा हूँ इसमें नहा लूँ, काफ़ी ठंडा पानी है इसमें, बहाव देखो भाई। भाई नहाने की तो हिम्मत नहीं हुई क्योंकि इतना चिल्ड पानी, इतना चिल्ड पानी है, बहुत ही ज़्यादा। तो भाई मैंने मुँह धो लिए, बाकी भाई बहुत ठंडा पानी है, बहुत। हम निकलते हैं घर की तरफ, भाई बस नहीं मिली तो ट्रकी से। साले की छाती पर आता ना, तब पता चलता इसको। गाड़ी वाले भी तो पीछे आगे निकलते, भीड़ में खड़े ही रहते। आपको कितने साल हो गए अंकल यहाँ पे ड्राइव करते करते? फिर भी अंदाजा कितना? 5, 10, 15, 15-13। यहाँ पे चलाने और सिटी में चलाने में कितना फर्क है? बहुत, मतलब यहाँ पे एकदम डेंजर रहता है हर टाइम, सिचुएशन है एकदम। जो मतलब सिटी में चला लेते हैं वो यहाँ नहीं चला पाएगा, जो एक दो बार आ गया वो थोड़ा चला सकता है, बट पहली बार वाला बंदा नहीं चला पाएगा। रोड है इतने खतरनाक है, आप थोड़ा सा पैच सही आता है तो बाकी पैच ऐसा आता है बिल्कुल खतरनाक, जहाँ पे रोड ही नहीं है, मतलब अपने ही अंदाजे से चलाओ, लेफ्ट राइट देख के। जब ऊपर जाओगे सिंगल ही रोड, हाँ सिंगल रोड है, कोई ऐसा भी नहीं है कि खड़ी चढ़ाई है, बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है। 100 कुंटल लोड लेके चढ़ते हैं, 100 कुंटल वेट रोज और वो सिंगल चढ़ाई पे। चल आप तो कमाल हो, ऐसा रोड हो तो बात ही है, पर वहाँ पे मैंने आपको दिखाया, अभी रोड देखना भाई कितना डेंजर है। और एक बात और अंकल, पता है क्या, मैंने यहाँ पे एक भी फॉरनर नहीं देखा, अंग्रेज पता नहीं क्यों नहीं आते हैं, या तो उनके बस के लिए इतना चढ़ना।
22 किलोमीटर की चढ़ाई होती है भाई, 22 किलोमीटर उसमें हालत ऐसी हो जाती है ना बीच में, तो अंकल मैंने भी कई बार सोचा था कि मैं वापस चला जाऊँगा, थोड़ी थोड़ी ऊपर जाके सोचा मैंने कि यार वापस चला जाता हूँ, छोड़ा ना तो अच्छा काम है भाई आपका तो जॉब है ड्यूटी है। अरे नज़ारे देखने तो आना ही पड़ेगा भाई, ये नज़ारे और कहीं नहीं है सिर्फ केदारनाथ में। वो देखो एक्सीडेंट हो गया इस अंकल का। हाँ बंदों में भाई बिल्कुल सबर नहीं है, सिंगल अच्छी खासी लाइन चल रही है वहाँ तक, बट ये बंदे दो दो तीन तीन लाइन बनाने पे तुले पर हैं, फिर जाम नहीं लगेगा तो क्या लगेगा।